अच्छा वो उन्होंने स्टैचू बना रखा है, तो मुझे लगा कि वो सच्ची में लोमड़ी है यार। Lune, yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। हेलो तरसान, हेलो तरसान, चलो ले आने ही आता दोस्तों, क्या हाल चाल है? कंपनी फ्री हो रही है या नहीं यार? इसमें ना बैटरी खत्म हो गई थी, तो अभी मैंने उसको वापस चार्ज किया है। और एक चीज़ और बताऊंगा टिप्स कि यार अपने साथ आपको पावर बैंक ज़रूर रखना है। और ये मैंने कान में इसलिए लगा लिया क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब विश्वास मानो आपको वीडियो में नहीं मालूम चल रहा, बहुत ठंड है और हवा बहुत तेज़ है, तो हाथ जम जाते हैं पूरे। तो मैंने इतने में क्या किया कि मेरे पास लैपटॉप है पीछे बैग में, आपने देखा होगा इस बैग में बहुत सामान है, तो मैंने लैपटॉप से फटाफट से चार्ज किया क्योंकि मेरा पावर बैंक भी जो था वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका था, चार्ज नहीं हो पाया। तो जब भी आप इस ट्रैवल में हो आपको हमेशा अपने साथ पावर बैंक तो ज़रूर रखना है। तो अभी मैं हूँ सेंटर पार्क में, न्यूयॉर्क सेंटर पार्क। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो एक छोटा जू है, मतलब न्यूयॉर्क का जो सेंटर पार्क है उसके बाहर मतलब एंट्री पे छोटा सा जू बना हुआ है और ये जू का एंट्रेंस है। तो आप ये देखो यहाँ पे थिएटर भी है अंदर और इधर 4D में फिल्म दिखाई जाती है जू पे। तो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या है। टिकट काउंटर है यहाँ पर जू पे, जो थिएटर की टिकट मिलती है जहाँ पर, और वहाँ पे आप जो है टिकट वगैरह ले सकते हो। और लोग यहाँ से शॉर्टकट भी मारते हैं, पीछे पूरा कनेक्ट है सेंटर पार्क। आप ये देखो यहाँ पे जो क्लोज है, आई थिंक इसका टाइम फिनिश हो चुका है। न्यूयॉर्क सेंटर पार्क जू एडमिशन, मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है और ये सामने पीछे टिकट काउंटर है जो कि क्लोज है। अच्छा, इसमें एडल्ट की जो टिकट है वो $19.95 की है, मतलब $20 मान के चलो। और चाइल्ड की टिकट जो है वो है $14.95, मतलब $15 मान के चलो उसको। और सीनियर्स की जो टिकट है वो $16.95, मतलब सीनियर सिटीजन जो है उनकी $17 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो। अब ये $17 और एडल्ट की मैंने आपको $20 के आसपास बताई, तो ये इनटू मार दो 72 रुपीज से, तो आपको फाइनल रेट पता चल जाएगा। मेन जू एंट्रेंस उधर है, 4D थिएटर भी उधर है और जू टिकट्स पीछे है, इधर लिखा है। तो बेसिकली बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, ये कैफेटेरिया है इधर और ये सेंटर पार्क जू का गिफ्ट शॉप है, इधर से गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। मगर अभी ये गिफ्ट शॉप भी क्लोज है पूरा, मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ। अच्छा, डॉग्स के लिए लिखा हुआ है कि मतलब ज़्यादा देर तक आप डॉग्स को, जो लोग टहल रहे हैं डॉग्स को लेकर, तो उसमें इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा देर तक आपको डॉग्स को लेके टहलना नहीं है इधर, क्योंकि इधर बर्ड्स वगैरह भी हैं और कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं डॉग उनको, या फिर डॉग को भी कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये बेसिकली जो ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरा थिएटर है। आप ये देखो इनका जो लैंडस्केपिंग किया हुआ है, ये देखो लैंडस्केपिंग अगर आप देख पा रहे हो यार, ये बहुत अच्छा बना हुआ है और इसको पूरा जू फील दिया हुआ है। अच्छा, वो उन्होंने स्टैचू बना रखा है, तो मुझे लगा कि वो सच्ची में लोमड़ी है यार ऐसा। ये देखो रन वाइल्ड जिराफ का है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब पूरा ना ये थीम ये लोग कवर करते हैं,
ये देखो इन्होंने पार्क भी डिजाइन किया है, तो उसमें एक छोटा सा जू है बच्चों के लिए, और ये सिटी के बीच में है, मतलब जहाँ पर चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है उसके बीच में ये जू बना हुआ है। और वैसे पार्क फ्री है, जू पार्क है ये, वैसे ये पार्क फ्री है, इसमें अंदर जाने की कोई टिकट नहीं है, जो सेंटर पार्क है उसमें बेसिकली। लेकिन अगर आप जू देखना चाहते हैं और जू में थिएटर जो इधर उनका एक 4DX शो चलता है इधर, आईज एज करके नाम है उसका, आईज एज, तो उसके लिए टिकट्स लगती है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है, इधर फोटोज वगैरह पोस्टर वगैरह लगे हैं मेरे पीछे ठीक, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं प्रोग्राम्स देखते हैं बेसिकली। तो यार चिड़ियाघर तो मैं आपको क्या घुमाऊंगी, अभी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है क्योंकि मैं मार्केट में बहुत घूम रहा था। अब मेरे पास देखो शाम का टाइम बचता है जिसमें मैं आपको घुमा देता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा मैं भी घूम लेता हूँ, नहीं तो मैं तो सारा दिन यार अपने ही काम से बिजी हूँ। वो देखो पीछे बहुत अच्छा लग रहा है, वो देखो बिल्डिंग्स दिख रही है पीछे आपको, न्यूयॉर्क सिटी। यार ये लाइट का बड़ा इशू लग रहा है इसमें, तो बेसिकली बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। लेकिन मैं बताऊँ मुझे ना ये बिल्डिंग ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, मुझे जो बड़ा हेरिटेज टाइप की पुराना जो जगह है ना वो बहुत अच्छी लगती है। यूरोप जो है ना वो बहुत नाइस, बड़ा कल्चर्ड मुझे लगता है कि उधर सब कुछ पुराना है, सारा कुछ पुरानी पुरानी ज़माने का, मतलब 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और उसको देखने का ना मज़ा अलग है। और वो बड़ा नेचुरल उसमें बना हुआ है, बड़ा नेचर में है, ये सारा कुछ जो है ना मैन मेड है, मतलब सब इंसान ने बनाया हुआ है कुछ भी इसमें नेचर, मुझे तो न्यूयॉर्क में कभी लगा, क्योंकि बाकी सिटीज़ में होगा। मेरा तो ऑफिशियल काम है तो मुझे इधर रुकना नहीं, तो मैं तो बैग पैक करके यार पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता फिर अगर मैं आता हूँ एक बार तो घूमने। चलो ये इस ब्लॉग की बात हुई, अब अगले ब्लॉग में कुछ और दिखाऊंगा, इसमें बैटरी भी लो है अभी, मैंने थोड़ी चार्ज करी है, थोड़ी बाद में चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे 360 मारते हैं जू सेंटर पार्क में, तो ये सेंटर पार्क में एक छोटा सा जू है, तो यहाँ पर मैं 360 लेता हूँ पूरा, और ये हो गया 360, थोड़ा धीरे से लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। पीछे दो ट्विंस बच्चे हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हवा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।